नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अगर बात की जाए नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के तहत, हमने पिछली क्लास में भी बात की किस तरीके से जो जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका रहती है, और उसके अलावा जो आज है जो फ्रांस और प्रशा के मध्य युद्ध होने के पश्चात किस तरीके से नेपोलियन तृतीय का पतन हो जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया था। जब प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण होता, प्रशा का चांसलर कौन होता, बिस्मार्क होता, बिस्मार्क, और बिस्मार्क के द्वारा ही संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। वहाँ का शासक अगर बात की जाए तो विलियम प्रथम होता है प्रशा का, और इधर फ्रांस का सम्राट कौन होता, नेपोलियन तृतीय होता है। अब दोनों के मध्य संबंधों में तनाव आने लगता है। मुख्यतः हमने कारण जो पिछली क्लास में पढ़ा था इसका कि जिस तरीके से जो ऑस्ट्रिया के साथ जो सेडोवा युद्ध का अंतिम निर्णायक युद्ध होता है, किसका, प्रशा और ऑस्ट्रिया के, उसमें प्रशा के द्वारा ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। उसी दौरान हमने देखा कि नेपोलियन तृतीय के द्वारा क्या किया गया था कि जो सॉरी यहाँ बात की जाए बिस्मार्क के द्वारा नेपोलियन तृतीय के साथ एक समझौता कर लिया गया था, और उसके द्वारा ये कहा गया कि अगर जो प्रशा और ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है और उस युद्ध में जो फ्रांस तटस्थ रहता है, यानी कि नेपोलियन तृतीय तटस्थ रहता है, तो उसे राइन नदी का जो क्षेत्र है उसके अलावा जो बेल्जियम का प्रदेश दे दिया जाएगा, एक मौखिक आश्वासन दिया जाता है। अब जैसे ही प्रशा के द्वारा ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित कर दिया जाता है और यूरोप की शक्ति का अगर बात की जाए संतुलन जो बदल जाता है, यूरोपीय शक्ति का संतुलन, यूरोप महाद्वीप की शक्ति संतुलन बदल जाता है और पेरिस के स्थान पर अब बर्लिन प्रमुख शक्ति का केंद्र बन जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में बिस्मार्क के द्वारा क्या किया जाता है, वह अपने वादे से मुकर जाता है और जो वादा नेपोलियन तृतीय के साथ उसके द्वारा किया जाता है कि उसे राइन नदी का क्षेत्र बेल्जियम प्रदेश देते, उस वादे से मुकर जाता है। अब फ्रांस है जो इसके प्रति ईर्ष्या रखने लग जाता है कि फ्रांस की सीमाओं पर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होने जा रहा है, तो उसी दौरान इन दोनों के मध्य क्या तनाव की स्थिति रहने लगती है। और इसी दौरान बात करते हैं तो जो इटली से भी फ्रांस के संबंध बिगड़ रहे थे, इटली से तुम देखोगे फ्रांस के समय, क्योंकि जहाँ इटली का जो रोम था, उसे जो कैथोलिक धर्मावलंबियों के लिए जो धार्मिक स्थल माना जाता था और सबसे पवित्र स्थल माना जाता था, उसी दौरान संपूर्ण यूरोपवासियों के जो कैथोलिक धर्मावलंबी थे उनकी उनके प्रति आस्था थी, तो वहाँ जो स्वतंत्र क्षेत्र था उस पर जो इटली अधिकार करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर फ्रांस की क्या थी, सेनाएँ थी उसकी सुरक्षा के लिए। तो इटली और फ्रांस के संबंध में भी जो बात की जाए तनाव की स्थिति पैदा होती जा रही थी। उन परिस्थितियों में अगर बात की जाए तो नेपोलियन तृतीय के प्रति जो फ्रांस की जनता में भी असंतोष बढ़ने लगा और फ्रांस की जनता के द्वारा भी जो नेपोलियन तृतीय का क्या किया जाने लगा, विरोध किया जाने लगा। अब चारों तरफ से मैंने देखा, जैसे हमने बात की विदेश नीति की नेपोलियन तृतीय की, एक तो पहला चरण, एक द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में बात की जाए तो इसकी विदेश नीति मूलतः क्या रहती है, असफल रहती है। तो उसी दौरान जो इसकी बार बार जो विदेश नीति असफल हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए प्रशा के सामने जो इससे मुँह की खानी पड़ी थी, क्योंकि बिस्मार्क के सामने बिस्मार्क ने इसे क्या दे दिया, धोखा, इससे फ्रांस की और नेपोलियन तृतीय की क्या गिरती है, प्रतिष्ठा गिर जाती है। तो अब जो इसकी जो प्रति जो असंतोष उभरने लगता है जनता में, जनता के द्वारा, फ्रांस की जनता के द्वारा विरोध कर दिया जाता है, उन परिस्थितियों में इसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि जनता को युद्ध के माध्यम से पुनः प्रसन्न किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है। और इसी दौरान ये चाहता है कि प्रशा के साथ युद्ध करने का निश्चय किसके द्वारा कर लिया जाता है, नेपोलियन तृतीय के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, उधर बिस्मार्क भी तैयार बैठा था, प्रशा का चांसलर, उसे भी पता था कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण नहीं होगा जब तक क्या नहीं किया जाएगा, फ्रांस को पराजित नहीं किया जाएगा। और उसी दौरान 1870 ईस्वी में जो सीडान का युद्ध होता है, तभी जाकर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है, और वहीं जो उसी वक्त क्या होता है, इटली का एकीकरण पूर्ण होता है, क्योंकि इटली में जो रोम पहले से मिल नहीं पाया था, उस रोम पर अधिकार करने के पश्चात इटली का एकीकरण भी क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो बिस्मार्क भी यही चाहता था कि किसी तरीके से जो क्या हो, फ्रांस के साथ युद्ध हो जाए और इस जिससे क्या हो, संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण
हो जाए, क्योंकि दक्षिणी जर्मनी की बात की जाए, उत्तरी जर्मनी के जो क्षेत्र हैं उनको तो उत्तरी जर्मनी का परिसंघ बना दिया गया था, लेकिन दक्षिण जर्मनी के जो क्षेत्र थे, राज्य थे, उन पर किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था, और कई से राज्य जो फ्रांस की अधीनता में क्या करते थे, शासन करते थे। तो इन परिस्थिति में बात की जाए तो नेपोलियन तृतीय के द्वारा भी जो ये रणनीति अपनाई गई कि किसी तरीके से जो अगर जो फ्रांस की जो अगर सेना का युद्ध प्रशा के साथ हो जाए तो हो सकता है जो फ्रांस की जनता का असंतोष भी कम हो जाए। तो अब दोनों अवसर तलाशने लग गए कैसे लड़ाई हो। इसके लिए इधर बिस्मार्क भी तैयार बैठा था और इधर फ्रांस भी तैयार बैठा था। दोनों के समाचार पत्रों में यानी दोनों तरफ से आलोचना की जानी शुरू होगी। फ्रांस तो बुराई कर रहा है प्रशा की, फ्रांस के समाचार पत्रों में प्रशा की बुराई की जा रही है और प्रशा के समाचार पत्रों में किसकी, फ्रांस की बुराई। एक दूसरे को शत्रु के रूप में देखा जा रहा है और जनता के जहन में भी ऐसी बातें बैठाई जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब ये लड़ाई का मौका देख रहे थे कब जाकर कोई लड़ाई हो जाए, कैसे बात बिगड़े। और उसी दौरान एक घटना ऐसी घटती है जो इनके मध्य युद्ध का कारण बनती है। स्पेन का उत्तराधिकार, स्पेन पड़ोस में किसके रहता है, फ्रांस के पड़ोस में रहता है। और स्पेन में जो स्पेन की जनता के द्वारा जो विद्रोह करके जो स्पेन के शासक की अगर बात की जाए, महारानी, स्पेन की महारानी को वहाँ से स्पेन से भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। 1868 ईस्वी में जो इसाबेल वहाँ की महारानी होती है और इसे फ्रांस छोड़कर भागने के लिए मजबूर, सॉरी स्पेन छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और स्पेन के सामने उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तभी स्पेन के जनता के द्वारा अगर बात की जाए तो लियोपोल्ड का नाम प्रस्तावित किया जाता है। ये लियोपोल्ड कौन होता है, ये जो प्रशा का सम्राट होता है विलियम प्रथम, ठीक है, इसका संबंधी होता है। स्पेन की जनता कहती है कि इसको हम स्पेन का क्या बना देंगे, सम्राट बना देंगे। और जब ये जैसे ही बात किसको पता चलती है, फ्रांस को पता चलती है, तो फ्रांस के द्वारा क्या किया जाता है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता है और प्रशा को चुनौती भी दी जाती है। और जब विरोध किया जाता है तो लियोपोल्ड के जो पिता है इनके द्वारा जो इस नाम का प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। पहले तो ये जो तैयार हो गया था, पहले शुरू में भी ये तैयार नहीं था, लेकिन स्पेन की जनता के द्वारा कहा गया और बिस्मार्क भी ये चाहता था कि ये वहाँ का शासक बन जाए, लेकिन फ्रांस के दबाव के कारण अंततः इसके द्वारा अपने नाम को वापस ले लिया जाता है, इसके पिता के द्वारा इसके नाम को वापस ले लिया जाता है। अब यहीं रुकता नहीं है फ्रांस। फ्रांस क्या करता है, एक राजदूत भेजता है प्रशा के सम्राट के पास और उसे कहता है कि लिखित में गारंटी दो कि भविष्य में ऐसा तुम कभी नहीं करोगे। प्रशा को ये कहता है, ठीक है, प्रशा के शासक जो राजा है उससे, ये सम्राट से मिलता है, बात की जाए विलियम प्रथम से, फ्रांस का राजदूत, और ये कहता है कि लिखित में हमें आश्वासन दो कि स्पेन में अगर कोई भी उत्तराधिकारी विवाद होगा तो उस विवाद में कभी भी जो क्या प्रशा भाग नहीं लेगा, ये हमें लिखित में दो। तब उस समय जो विलियम प्रथम के द्वारा इस बात की स्वीकृति दे दी गई कि वह जो लियोपोल्ड वहाँ का शासक नहीं बनेगा, फिर भी उसके द्वारा लिखित जो लिखित में मांगा गया। तो उसी दौरान जब ये फ्रांस जो सॉरी प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम के द्वारा जो अपनी वार्तालाप का विवरण है जो बिस्मार्क के पास एम्स नगर में जो तार के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है, जो ये किसके पास भेजता है, एम्स टेलीग्राम तार के माध्यम से ये अपनी वार्ता का विवरण किसे भेजता है, बिस्मार्क को भेजता है। और बिस्मार्क के द्वारा क्या किया जाता है, बिस्मार्क इस वक्त चाहता था कि प्रशा का सम्राट जो फ्रांस के राजदूत के समक्ष बिल्कुल नहीं झुके और प्रशा का फ्रांस के साथ युद्ध हो। तो उन्हीं परिस्थितियों में जब राजा के द्वारा समझौता कर लिया गया प्रशा के राजा जो बात की जाए विलियम प्रथम, तो बिस्मार्क ने सोचा कि अब क्या हो, तो उसने एक युक्ति अपनाई और इस युक्ति के तहत उसने क्या किया, इस टेलीग्राम का जो विवरण है संक्षिप्त रूप है इसका क्या कर दिया गया, जो अखबार में छपवा दिया गया, समाचार पत्रों में छपवा दिया। अब छपवाया ऐसे कि प्रशा की जनता को लगे कि उनके सम्राट का अपमान किया गया, ठीक है, और फ्रांस की जनता को लगे कि उनके राजदूत का क्या कर दिया गया, अपमान कर दिया गया, ताकि दोनों में क्या तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। और उस वह अपने जो इस युक्ति में सफल होता है और दोनों तरफ से ऐसा माहौल बन जाता है युद्ध का माहौल। और उसी दौरान 15 जुलाई को 1870 ईस्वी को फ्रांस के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, किसके विरुद्ध, फ्रांस जो प्रशा के विरुद्ध। और कुछ समय तक ये युद्ध चलता है और उसके पश्चात 2 दिसंबर 1870 ईस्वी को इनमें जो निर्णायक युद्ध होता है जिसे सिडान का युद्ध कहते हैं, सिडान नामक क्षेत्र में होता है, इस युद्ध में जो बात की जाए
प्रूसा के द्वारा, जो नेपोलियन तृतीय को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है बिस्मार्क के द्वारा। और नेपोलियन तृतीय के द्वारा अपने 83,000 कितने 83,000 सैनिकों के साथ, 83,000 सैनिकों के साथ क्या कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और जैसे ही नेपोलियन तृतीय के आत्मसमर्पण की बात पेरिस में पता चलती, तो पेरिस में एक जो अस्थाई सरकार का गठन हो जाता है। और इसमें जो जनरल त्रोसू है, जनरल त्रोसू ये अस्थाई सरकार का क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। और ये अध्यक्ष बनने के पश्चात इसके द्वारा क्या किया जाता है, युद्ध को जारी रखा जाता है कुछ समय तक, जो और युद्ध चलता रहता है। उसके पश्चात जो बात की जाए, जब 1871 को पेरिस का पतन हो जाता है, प्रशा की सेनाएं जो पेरिस नगर में पहुंच जाती है, तब अस्थाई सरकार के द्वारा समझौता किया जाता है। और इनके मध्य फ्रैंकफर्ट की क्या होती है, संधि होती है। इस संधि के माध्यम से जो अस्थाई सरकार और प्रशा के मध्य, उसके पश्चात युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। इसको बात की जाए नेपोलियन तृतीय को, जो एक किले में नज़रबंद कर दिया जाता है, जहाँ से ये भाग कर क्या इंग्लैंड चला जाता है। और 1873 ईस्वी में इंग्लैंड में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो बात की है फ्रांस और प्रशा के मध्य होने वाले युद्ध की, और उसके पश्चात नेपोलियन तृतीय के द्वारा किस तरीके से सरेंडर कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है अपने 83,000 सैनिकों के साथ। और जो जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण करने के लिए जो बिस्मार्क के द्वारा जो फ्रांस के साथ क्या किया जाता है, युद्ध किया जाता है, दोनों देशों के मध्य युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। और युद्ध के लिए जो स्पेन का जो उत्तराधिकारी विवाद होता है, वह क्या रहता है, मुख्य कारण रहता है, जिसके कारण इनके मध्य युद्ध की शुरुआत होती है। और सीडान के युद्ध में जो निर्णायक रूप से होता है, इनके मध्य नेपोलियन तृतीय को जो प्रशा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। और नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो अपने 83,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। उसके पश्चात कुछ समय के लिए अस्थाई सरकार जो पेरिस में बनती है फ्रांस में, उसके द्वारा युद्ध जारी रखा जाता है, लेकिन अंततः उसके द्वारा भी फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। और इस तरीके से नेपोलियन तृतीय फ्रांस से भागकर इंग्लैंड चला जाता है, और 1873 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से नेपोलियन तृतीय का पतन हो जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की जो राय या सुझाव, वो भी आमंत्रित है। और इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा उत्सुकता हो, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।